पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबियत बहुत ज्यादा खराब है, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। और ताजा जानकारी आपको दे दें, किसी भी वक्त मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में अटल जी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। उनकी सेहत कैसी है इसके बारे में डॉक्टर्स जानकारी देंगे। 10:30 बजे का वक्त इसके लिए पहले बताया गया था। और सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। चित्रा, क्या अपडेट वहां से आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी मेरे सामने से गिरिराज सिंह और शहनवाज हुसैन की गाड़ी यहां से गुजरी है, वो लोग बाहर निकले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अखिलेश, यहां पर सामान्य तौर पर एम्स के अंदर यानी कि दरवाजे से अंदर जाने की इजाजत मीडिया कर्मियों को नहीं दी जाती है, बाहर ही रोक दिया जाता है। लेकिन फिलहाल जितने भी यहाँ पर प्रेस रिपोर्टर्स आए हुए हैं, हम सभी को अंदर जाने की इजाजत, मतलब साइड में यहाँ अंदर सभी को कह दिया गया है कि आप लोग वहां पर अपने कैमरे लगा लें। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, बाहर से बहुत तेज यहाँ पर मूवमेंट तेज हो गई है। जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर, ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियों को जल्दी जल्दी से हटाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देश भर से धुआं का दौर भी जारी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत को लेकर कुछ ही देर में मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, बड़े बड़े नेताओं की वहां पर मौजूदगी है। लेकिन यहाँ से जो नेता आ रहे थे उनमें से कुछ बाहर भी जा रहे हैं। अभी अभी हमने देखा गिरिराज सिंह और शहनवाज हुसैन जो एक गाड़ी में मौजूद थे, गिरिराज सिंह भावुक भी हो रहे थे, ये लोग बाहर निकल चुके हैं। और इस तरह से देख पा रहे हैं आप, एक के बाद एक तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें सांसद, बड़े मंत्री और नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सेहत का हालचाल जानने के लिए आए थे, अब वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। कुछ ही देर में जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा उसके बाद ही शायद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी कि उनकी हालत में कोई सुधार हो रहा है या नहीं, या अटल जी की सेहत को लेकर किस तरह की खबर एम्स प्रशासन दे रहा है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अखिलेश, चित्रा, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि मीडिया के कैमरे वहां पर लगाने के लिए कहे गए हैं एक तरफ, इसका यह मतलब है कि बस अगले कुछ ही मिनटों में मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा? जी देखिए, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर में मेडिकल बुलेटिन जारी हो, क्योंकि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। देखिए, जो लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं वो टीवी कैमरों के जरिए ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए भीड़ क्योंकि लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, मेरे ठीक बगल में भी आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े नेताओं का जो काफिला था, जो गाड़ियां थी वो एम्स के अंदर पहुंची हुई थी, और अब ये सब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है, बहुत सारे कयासों का दौर भी जारी है। उन सभी चीजों पर विराम तभी लग पाएगा जब एम्स प्रशासन की ओर से जल्द अटल बिहारी वाजपेयी जी की सेहत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, जिसके कुछ ही देर में जारी होने की उम्मीद भी की जा रही है। अखिलेश, बिल्कुल, तो मेडिकल बुलेटिन कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी उसके बाद की अभी कैसी सेहत है उनकी, वाजपेयी जी की। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।